हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरे सामने देखिए 2.1 का ये होम थिएटर का बोर्ड रखा हुआ है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई थी कि प्लीज़ सर इस पर वीडियो बनाओ कि इस पर हमें कितनी वोल्टेज कहाँ पर मिलती है और कब होनी चाहिए वोल्टेज और कितनी कितनी होनी चाहिए, कौन सी आईसी पे क्या होनी चाहिए। तो कम्प्लीटली मैंने इस वीडियो में दोस्तों आपको बताया है वन बाई वन एक एक पॉइंट पर ये मेन चीज़ आपको कहाँ चेक करनी है, जब आपका बोर्ड डेड हो जाए या बंद हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहे, मेरे चैनल पर आप नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड रोज़ एक वीडियो मिलती है जिसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है आपको। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मल्टीमीटर को सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एसी वोल्टेज पर सेट करना है, 200 वोल्ट एसी वोल्टेज कर लिया। उसके बाद में आपको दोनों इसको प्रोब एक हमें चाहिए हमारे, देखिए इसमें दोस्तों पहले तो हम जब कोई भी सोर्स चेक मतलब कुछ भी बोर्ड वगैरह चेक करते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि हमारी वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं, मतलब कितनी वोल्टेज हमें उससे मिलनी उस पर मिल रही है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मिलती है डायोड पे, डायोड से जाती है कैपेसिटर पे, कैपेसिटर से हमारी प्योर डीसी बन के जाती है हमारी आईसी पे, जितनी भी हमारे रेगुलेटेड आईसी वगैरह लगी हुई हैं। ये तो करना क्या होता है, पहले सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर के चेक करनी होती है। तो सर ट्रांसफार्मर की जो हमारी लाइन आती है वो माइनस माइनस में आती है, यानी कि एसी करंट आता है, उसको यहाँ पे प्लस माइनस करके हमारे वाले जो चार डायोड लगे हैं और ये कैपेसिटर तक ये हमारे अलग अलग वोल्टेज इनको पहुँचाते हैं। तो ये हमारा काम होता है ये डीसी में बनाने का रेक्टिफायर का। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करने होंगे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर की आपको क्या चेक करना है, इसमें तीन वायर होती है, एक 12 की, एक 0 की, एक 12 की, मतलब इधर 12 वोल्टेज मिलेंगी ऊपर, मतलब ऊपर मिल सकते हैं नीचे नहीं मिलेंगी, इधर भी 12 और ये हमारा 0 है। तो 0 पे हम लगा देंगे पहली पिन, तो ये जंपर यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे रख लेंगे एक बार। तो हम चेक करते हैं, तो दोस्तों देखिए 11.7 आ रही है, तो ये सही है, 11.78 सही है। दूसरी पिन पर चेक करते हैं, 11.45 ये भी सही है, वो थोड़ा अप डाउन एक दो पॉइंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें लोकल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लोकल ओरिजिनल ट्रांसफार्मर यही अंतर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ चेक कर ली। अब हमें चेक करने होते हैं जब हम यहाँ पे से हमारी क्लियर है वोल्टेज यहाँ पे बराबर है, एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे आ रहा है, पॉइंट में अगर आप पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसे आ रहा है इधर के तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, तो उस समस्या में क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। दोस्तों फिर सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे होती है हमारी डीसी वोल्टेज, तो हमें उसमें चेक करना होता है डीसी वोल्ट पे लगा के। इसको हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे डीसी पे सेट कर लिया है। ठीक, करने के बाद आपको करना क्या है, ये वाला ब्लैक वाली प्रोब इधर की है, देखिए दोनों कैपेसिटर की ग्राउंड हो रही है, तो देख सकते हो, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, दोनों की यहाँ पर ग्राउंड हो रही है ये पिन। तो करना क्या है, एक पिन आपको यहीं पर लगानी है, तो एक पिन हमें यहाँ पे लगानी है और दो एक इस वाले कैपेसिटर पे, इस वाले कैपेसिटर पे, दोनों के वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक कर रहे हैं दोस्तों, देखिए डीसी में हम रख के इसे, तो 15.67 फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे हमें प्लस में मिल लिया वोल्टेज, अभी माइनस में वहाँ पे हमें कोई आइकन नहीं है, आइकन नहीं है। देखिए अब हमें यहाँ मिल लिया 15.72, ये माइनस में, यानी कि हमारे कैपेसिटर तक वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। तो सेकेंड तो ये हो गया आपकी, यहाँ तक वोल्टेज आपकी प्रॉपर आ रही है, तो ठीक है। उसके बाद करनी होती है हमारे इसमें रेगुलेटेड आई सी लगी होती है 7805 SC आ रही है, इस पर इनपुट पे तो हमें 12 वोल्ट मिलेगी और आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट मिलेगी, बीच वाला इसका ग्राउंड होता है। अगर इस पर नहीं मिलती हमें, अगर 12 वोल्ट मिल लिया 5 वोल्ट आउटपुट नहीं मिल रही, तो इस रेगुलेटर को हम चेंज कर देंगे। एक बार इसको चेक करेंगे तो इसकी इनपुट हमारी इधर से है और आउटपुट हमारी इधर है, तो ये एक प्रोब तो आपको ग्राउंड पर रखनी ही पड़ेगी, हमेशा के लिए रख दो आप इसको, या आप इसको यहाँ पर सोल्ड कर सकते हो मतलब चेक करने के लिए फिलहाल। तो पिन नंबर फर्स्ट पे चेक करते हैं 15.7। दोस्तों जब आप याद रहे कब 7805 लगाने जा रहे हो तो इस पर प्लस वोल्टेज देनी होती है, कि आप देखें सर इसमें दो कैपेसिटर लगे हम कौन से वोल्टेज दें, तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसमें आपको प्लस वाले पॉइंट पे से वोल्टेज देनी है, मतलब जिसमें प्लस वोल्ट प्लस में से वोल्टेज मिली है, जैसे इसमें से हमें प्लस में से मिल लिया है तो हम इस पे से जाकर इसको दे देंगे। अगर हम इस पे से देते हैं तो बनेगी नहीं, बन तो जाएगी, अगर हम वहाँ पर चलाएँगे तो शॉर्टिंग सर्किट होगा, तो यानी गलत है वो। तो यहाँ पे हम इसे ग्राउंड रख के पहले पिन पे देखेंगे तो 15.17 मिल लिया, यानी कि वही ठीक है, और आउटपुट पे देखेंगे तो 5.2, यानी कि 5 वोल्ट सही मिल लिया है, तो ओके है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा SCR बिल्कुल ओके है। अगर यहाँ हमें वोल्टेज मिलती है तो हम इसको चेंज कर देते हैं।
वैसे कंडीशन में जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता, फिर भी आते हैं अब आईसी के ऊपर की बारी। तो आई अब हमारा लास्ट, हमें सिर्फ आईसी चेक करनी है और बाकी वोल्ट है तो कहीं पे इसमें खास इतनी नहीं होती। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड रखना है या आईसी की। देखिए मैं आपको बता दूँ, 20-30 वाली जो हमारी आईसी होती है, इसकी पिन नंबर फर्स्ट होती है आपकी गेन, जो इनपुट गेन देती हैं, और सेकेंड नंबर होती है आपकी ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। और जो हमारी पिन नंबर थर्ड है वो माइनस के 12 वोल्टेज होती है, जो भी माइनस के हमें वोल्टेज यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर से मिल रहे हैं, माइनस के 12 वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट मान लो, पर 12 वोल्ट कहेंगे क्योंकि 15 तो थोड़े बहुत बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमारी कई फोर्थ नंबर की बारी, फोर्थ नंबर जो होती है हमारी स्पीकर की आउटपुट होती है, ये वाली फोर्थ वाली पिन जो देख रहे हैं, ये स्पीकर की आउटपुट हो गई। और जो हमारी पाँचवीं पिन जो है हमारी, वो प्लस की 12 वोल्टेज होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मैंने सभी पिनों की डिटेल आपको बता दी है। फिर अब हम करेंगे क्या, पहले यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक पिन लगाएंगे, पिन लगाई जो हमारी, अब देखिए यहाँ पे पिन नंबर फर्स्ट है, इस पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो अगर हम इस पर वोल्टेज चेक भी करेंगे तो हमें कोई इतना खास वोल्टेज नहीं मिलने वाले। तो देखिए एक बार हम इस पर वोल्टेज चेक कर रहे हैं, मैंने अच्छे से लगा रखा है, ये तो ग्राउंड पर लगी है, पिन नंबर फर्स्ट पर चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। अगर यहाँ वोल्टेज मिल गया तो आईसी शॉर्ट है, क्योंकि उस कंडीशन में आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो मैं इधर से आपको दिखा दूँ एक बार, पिन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव इस तरह से पड़ रही है। तो मैंने उल्टा रखा हुआ है बोर्ड ये, तो मैं अगर यहाँ से चेक करूँ तो इधर से चेक करनी है आपको, ठीक है। तो यानी कि मैं पिन नंबर फर्स्ट पर चेक किया पहले, ये पिन नंबर फर्स्ट है, और सेकेंड पर करें तो हमारी सेकेंड पिन जो है हमारी यहाँ पर, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, इस तरह से। अगर सेकंड पे चेक करें तो कुछ नहीं, क्योंकि सेकंड वाला हमारा ग्राउंड है, ये वाली पिन यहाँ से जाके यहाँ एक जंपर जा मतलब लगा हुआ है, तो हमारी ग्राउंड है। तो इस पर चेक करेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं मिलने वाली आपको। थर्ड पिन पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस में वोल्टेज मिलेंगी जितनी भी आ रही होंगी, तो 14.93 वोल्टेज आ रही हैं, यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रही है। अगर आपको यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रही तो आपका कोई ना कोई ट्रैक टूटा हुआ है इसके बीच में, तो आप देख सकते हैं ये वाला पिन जो जा रहा है, देख लीजिए ये यहाँ पर जाया हुआ है, तो यहाँ पे ये यहाँ से इस वाले कैपेसिटर से वोल्टेज आ रही है। तो इसको सही से लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ से इस वाले ट्रैक से हमें वोल्टेज मिल रही है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बता दी आपको। फिर पिन नंबर आते हैं हम फोर्थ पे, पिन नंबर फोर्थ है हमारी ये वाली, पिन नंबर फोर्थ पे देखिए इस तरह से हम रखेंगे पूरा अच्छे से। अगर हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज मिल रहे हैं तो आपकी आईसी शॉर्ट है। अगर आपको वहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे, और यहाँ पे एक बार मैं पहले इस पे वाली सोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे हम सोल्ड नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पकड़ लेंगे। देखिए पिन नंबर फोर्थ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिलती है तो सीधी सी बात है आपकी स्पीकर की जो है ना ये आईसी ख़राब है, ये बेस वाली आईसी होती है, इसे क्रॉस ओवर 4558 जो हमारा गेन बनाता है ऑडियो क्रॉस ओवर के लिए। तो यहाँ पे हमारे देखिए कोई ऑडियो मतलब यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिली। अगर यहाँ वोल्टेज मिलती तो आईसी शॉर्ट है सीधी सी, उसमें क्या उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी स्पीकर जल्दी जल्दी फूकने लगेगा, ये मतलब बिना कुछ चलाए भी स्पीकर हम इस तरह की समस्या आएगी, तो ये आईसी ख़राब है। अब आते हैं पिन नंबर फाइव की बात करें, पिन नंबर फाइव हम देख सकते हो जंपर कहाँ पर जा रहा है, कैपेसिटर पर जा रहा है। तो पिन नंबर फिफ्थ पर अगर बात करें 14.60 वोल्ट मिल रही है, तो ये प्लस में मिल रही है हमें वोल्टेज दोस्तों, ये माइनस में नहीं है, ये हमें प्लस में वोल्टेज मिल रही है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलती तो ट्रैक देखिए पहले, तो वोल्टेज यहाँ मिल रही है तो ठीक है, पाँच नंबर पे प्लस में और थ्री नंबर पे माइनस में, तो वोल्टेज सेम मिलनी चाहिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है चल जाएगा एक दो वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैपेसिटर की वजह से हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये आईसी की चेक बता दी, ऐसे ही आपको वन बाय वन सभी आईसी पे चेक करना है। तो इसमें कॉमन दो दो ही पिनों पे चेक करना है आपको, थ्री पे और फिफ्थ पे, और जहाँ हो सके तो आप स्पीकर वाली पे करिए इस तरह से। देखिए स्पीकर वाली पे हमें कोई नहीं मिलेगी वोल्टेज, अगर मिलती है तो आईसी शॉर्ट है, यहाँ पे देख लीजिए ये। अगर हम फिफ्थ पे वाली पिन पे बात करें तो हमें प्लस में वोल्टेज मिलेंगी, और थ्री पे बात करें तो माइनस में वोल्टेज मिलेंगी। देखिए वहाँ माइनस का साइकन गैल आ जाता है, जहाँ माइनस का जब मीटर में साइकन आ जाएगा, आइकन आ जाएगा, समझ लीजिए ये हमारी माइनस में चल रही है। अगर इस पे भी आईसी चेक करेंगे, सभी पे आईसी पे हमें सेम मिलनी चाहिए, तो ये मिल रही है हमें इस पे भी, तो सही है। अगर हमारी स्पीकर के आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलती है तो ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है दोस्तों। तो ये बता दिया मैंने, अब फिर ग्राउंड पर रख के ये हमारे देखिए ये वाली पिन यहीं पर जा रही है,
ये जो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कम ये वाली जो दो ये दो ये दो रेजिस्टेंस लगी होती है ना, ये आउटपुट स्पीकर के लिए लगी होती हैं। तो ये इन दो आईसी से होती है, ये वाली दो जो होती हैं ये इस आईसी से, और ये जो दो होती हैं ये इस आईसी से। तो यानी कि ये आउटपुट स्पीकर की है ये, और ये वाली आईसी स्पीकर की है। और जो ये वाली आईसी होती है हमारी, ये क्रॉसओवर मतलब बेस के लिए होती है, जो हमारे सबवूफर लगा होता है अंदर। ये वाला देख लीजिए, फोर्थ नंबर पिन से यहाँ पे एक जाके जम्पर लगा हुआ है, और ये आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ ग्राउंड है मतलब ग्राउंड से डायरेक्ट। जब इस तरह से आपको इसमें कनेक्शन करने होते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी दोस्तों कंप्लीट। तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। तो बस सिर्फ अब यही आपको सेम यही वोल्टेज चेक करनी है। तो अगर हम ऑडियो आईसी पे बात करें तो पिन नंबर यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट पे, हाँ ये देखिए लास्ट वाली पिन हमारी। पहली बात देखिए दोस्तों, इसमें आधा इधर उधर जाने की और ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वोल्टेज चेक करनी है। इसमें मेन वोल्टेज ही होती है, ये मेन कैपेसिटर पे पहले सबसे पहले ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर के बाद जो डायोड से हमारा मतलब माइनस माइनस से जाकर जो प्लस माइनस हो रहा है, फिर मेन कैपेसिटर पे दोनों पे सेम वोल्टेज, फिर हमारी तीनों आईसी पे, तीनों आईसी में से कोई सी स्पीकर का आउटपुट पा रही है तो आप उसे शॉर्ट मतलब निकाल सकते हो आईसी को। बेवजह इस तरह से हीटिंग गर्म हो रही हो बिना कुछ करे, ओवर हीट हो रही हो, तो आईसी आप चेक करें वन बाई वन। तो कम्प्लीटली आपको यही वोल्टेज चेक करनी है इसमें, और कोई वोल्टेज चेक आपको नहीं करने की ज़रूरत। ये 4558 आईसी लगी हुई थी क्रॉसओवर की, आप इस पर वोल्टेज ना चेक करें क्योंकि ख़राब नहीं होती। वैसे भी ये 12 वोल्ट से चलाई जाती है, पर ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। बस सिर्फ मैन आपका ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर के बाद आपकी ये, और फिर ये, फिर ये, फिर ये, तीनों बस ये चीज़ चेक कर लेनी है, फिर आपको कुछ चेक कर नहीं करना। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि उसमें मतलब कौन सा फॉल्ट आने पर आपको क्या चीज़ बदलनी चाहिए इसमें, और कब किस पे हमें कितने नंबर का लगाना चाहिए, और कौन सी रेजिस्टेंस आपको कहाँ अगर जल जाए तो उड़ जाए तो कौन सी लगानी चाहिए और कहाँ लगानी चाहिए, अगर इसका आपको चाहिए तो मुझे बता देना दोस्तों, मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, तो आज के इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों।